Gestop. Gestop. अनुपेक्षा बारह भावनाएं होती हैं। मात्र हमने बारह भावना तो पढ़ी है, पर उन बारह भावनाओं का अभी तक चिंतन नहीं किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बारह अनुपेक्षाएं कौन कौन सी होती हैं? नाम बताएंगे क्या? अनित्य, आशरण, अरे तो सचिन सूत्र सुना दो तब तो। अनित्यता, आश्रण, संसार, एकत्व, अनियत्व, असुचि, आश्रव, बंध, संबार, निर्जरा, बोधि दुर्लभ और धर्म। कितनी हुई? और हम याद होना चाहिए, क्योंकि ये बचपन में की गई विद्या हमेशा याद रहती है। ये छोटे में की थी, आज भी याद है। हमने मात्र अनित्य भावना, यदि हम बारह वर्णा का श्लोक पढ़े तो आपको भी याद होगा। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंग हो, चाहे कोई छत्रपति हो, चाहे कोई चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, कैसा भी वैभव उसके पास, यह सब हाथ पन के अस्वार। ये सब हाथ का क्या है? मैल है, मल है। कितना भी धन बना रहे तब भी आपको मरना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो आज तक शाश्वत रहा। इसलिए घमंड मत करो कि मैं राजा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, वह रंग है। इस चीज का घमंड मत करो। यदि घमंड करना है तो किसका करो? किसका करो? इस आत्मा का घमंड करो। यह मरण, इसका मरण नहीं होता, इस देह का मरण होता है। और हम देह को ही अपना मानते हैं, इसलिए जब मरना है तो घमंड कैसा? कोई घमंड भी यही छूट जाएगा। इसलिए अनित्य भावना का चिंतन करो। एक ही जीव जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है उसको नियम से मरना भी होता है। अब हम समय सार में देखें तो आचार्य भुवन ने कह दिया है, 27 नंबर की कारिका में, व्यवहार नहीं हुआ सदी जीवो देवो या हवधि खलु, जीवो देवो या हवधि खलु इको नदु निच्छेस्य जीवो देहो कदा भी इकट्ठो। व्यवहार नहीं हुआ सदी, व्यवहार नहीं कहता है क्या? जीवो ये देहो, जीव और देह, खलु निश्चय से हवादी है, तुम इस लेके निश्चय नहीं हो। निश्चय नहीं कहता जीवो या देहो, जीव और यह देह कदापि कभी भी इकट्ठो ना, एक नहीं हो सकता। व्यवहार नहीं कहता है यह शरीर और जीव, जीव से तात्पर्य आत्मा, जीव कहो, आत्मा कहो, पुरुष कहो, ये एक है। और निश्चय नहीं कहता है जीव अलग है और देह अलग है। तो व्यवहार में हम कहते हैं जीव का मरण होता है,
और निश्चय ने कहता है जीव का मरण नहीं होता है, देह का मरण होता है। और जब तक निश्चय को पाएंगे नहीं तब तक आत्मा का कल्याण होगा नहीं। यदि हमें स्वानुभव को प्राप्त करना है, स्व को जानना है, तो निश्चय का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी, व्यवहार, और हमारे केवली भगवान भोजन करते क्या फिर भी भूख मिटे। आत्मा का अनुभव करते हैं हम, शरीर का अनुभव करते हैं इसलिए हमें भूख लगती है। जो आत्मा का अनुभव करता है उसे भूख नहीं लगती। एग्जाम्पल से अभी आप यहाँ बैठे, कौन सा भोजन मिल रहा, भूख लगी? जिस समय इसका अनुभव चल रहा उस समय कोई भूख नहीं। जैसे ही बंद करोगे भूख लगना। यदि बाई चांस मान लो घर बैठे होते तो कुछ कर रहे हो, या तो पानी भी कुछ ना कुछ लगेगी, क्योंकि जब ध्यान तन पर जाता है तब हमें तन की पीड़ा महसूस होती, तन की याद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तन का वेदन होता है। लेकिन जब निज का संवेदन हो रहा होगा, निज का स्वानुभव हो रहा होगा, उस समय तन का वेदन नहीं होता। इसलिए ये तो प्रैक्टिकली है कि टाइम नाश्ता करने का है, दूध चाय इत्यादि करने का है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। कारण क्या है? कारण ये कि स्वाध्याय कर रहे, अभी तन का वेदन नहीं कर रहे। यदि उसका वेदन करोगे तो यहाँ नहीं बैठ पाओगे, मुझे तो भूख लगी मैं तो जा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल ऐसे ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने बता दिए थे, आगे समय सार में कह रहे हैं, इनमयनम जीवादो देहम पुग्गलम थुणि तूणि मैणदि वो संत दो बंद दो मैं केवली भय। इनमयनम मतलब यहाँ पर बता रहे हैं एक जीव है, वह निश्चय से क्या इणमयनम इस पुग्गल, इणमयनम इस पुग्गलमयम पुद्गलमय देहम देह की थोड़ा ही स्तुति करने से मुनि मुनि मैणदी हो, असल में मैणदी हो ऐसा मानता है, मैंने केवली भयम केवली भगवान की संत दो बंद दो स्तुति की है, वंदना की। जो इस जीव से भिन्न मतलब आत्मा से भिन्न कोई मुनिराज की बात चल रही है, कोई मुनि कह रहा है जो अपनी आत्मा को नहीं देख रहा, वो कह रहा है मैंने इस पुद्गल देह से स्तुति करके मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने केवली की स्तुति की है, मैंने उनकी वंदना की है। क्या केवली की स्तुति हो सकती है? तो निश्चय से यह कथन ठीक नहीं है। आप उनके शरीर गुण, शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है। आपने पूजा की है, अभिषेक किया किसका? भगवान। आपने अभिषेक किया किसका? भगवान का। भगवान थे वहां क्या? आपने उनके शरीर, उनके शरीर के गुणों मतलब
ध्येय को प्रतिबिंब को मान करके आपने गुणों की स्तुति की, गुणों का अभिषेक किया। क्या सचमुच वह केवली का अभिषेक था? तो जब हम अभी ये व्यवहार में सब कुछ कर रहे हैं, कभी कभी हमें निश्चय में भी जाना पड़ेगा। तो हमने शरीर की सेवा की है, क्या कर रहे? वही आवृत्ति करने आए। किसकी? माता जी की। किसकी? वही महाराज जी की वही आवृत्ति करने। क्या सचमुच गए थे? आपने तो महाराज जी को देखा ही नहीं, आपने तो मात्र उनके तन को देखा है, अंतरंग को कहां देखा? बराबर, आपने तन की सेवा की है, अंतरंग की सेवा नहीं की, अंतरंग की वही आवृत्ति नहीं की। तो यहां पर बताया गया है, अभी जैसे ऊपर बताया गया तो कोई अपने जीव से भिन्न, आत्मा से भिन्न, पुद्गल वही देह की स्तुति कर ली, तो मैंने केवली की स्तुति कर ली, मैंने उनकी वंदना कर ली, मैंने सिद्धों की सिद्ध भक्ति की, सिद्धों की भक्ति। तो आगे बता दिया है वही स्तुत निश्चय में ठीक नहीं है। निश्चय की बात चल रही है, अभी एकदम से ये नहीं समझ लेना कि हम माता जी ये वाली बात बोल रहे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं निश्चय की बात कर रही हूँ। लोग भटकते क्यों है? क्यों समय सार हाथ लग गया भटक जाएंगे? क्योंकि इसमें लिखा है कि जब केवले की स्तुति करना, उनके गुणों की स्तुति करना, ये व्यवहार तो हम तो कर रहे हैं ठीक नहीं, क्यों करना चाहिए? पहले यह भी तो जानो, क्योंकि व्यवहार नए के धरातल पर ही निश्चय नए का महल खड़ा होता है। यदि व्यवहार नए से न्यू नहीं भरोगे तो ये भवन खड़ा होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी आवश्यक है, जब व्यवहार होगा तो निश्चय होगा, यदि निश्चय होगा तो व्यवहार होगा क्या? नहीं, तो महल भी टिकेगा नहीं। यदि कोई कहेगा हम न्यू तो नहीं भरेंगे, भैया हम महल तो बनाएंगे पर न्यू नहीं भरेंगे। महल बन जाएगा, बन जाएगा, कुछ दिन खड़ा रहेगा, एक हवा का झोंका आएगा, बारिश होगी, क्या होगा? गिर जाएगा। खड़ा रहेगा क्या? इसलिए जीवन को जीना है, संसार में रहना है, तो पहले व्यवहार को भी देखो, इसके बाद निश्चय को देखो। व्यवहार में मुझे आहार भी करना पड़ेगा, क्योंकि साधना करना, व्यवहार में जिनवाणी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है। इसका सहारा लेंगे तो ज्ञान तो अंदर है, पर साधन कुछ होना चाहिए जिससे हम वह प्रकट कर सके। अब ये सब साधन है, यह पुस्तक क्या है? साधन है। यदि हम इसका सहारा ना लेते तो आपको यह भी नहीं बतला सकते कि कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, उनकी दृष्टि क्या है। तो हमें यह सहारा लेना पड़ता। तो आगे इन्होंने बता दिया वही स्तवन जो कहा गया है, अभी ऊपर कहा था कि मैंने केवली के गुणों की स्तुति की है, यह व्यवहार का कथन था, लेकिन वह कथन निश्चय से ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है, और केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति नहीं करता। यदि मैंने कहा है कि मैंने क्या किया, भी सिद्ध भक्ति की,
मैंने वंदना की, मंदिर आए ना, नमस्कार किया किसको, केवली भगवान को। क्या सचमुच हुआ? ये व्यवहार का कथन था। हाँ, मैंने केवली भगवान की स्तुति की है, वंदना की है, तो निश्चय नहीं पे जाएंगे। तो कभी निश्चय में जाएंगे ध्यान के कारण, ऐसे हमेशा नहीं, और न चलते फिरते कहने लग दो। तो इसका भी काल है, अनुभव का विषय है। हाँ, मैं जिसकी स्तुति कर रहा हूँ वह सचमुच उनकी स्तुति नहीं है, मैं तो एक प्रतिबिंब की स्तुति कर रहा हूँ। वस्तुतः मुझे यदि केवली बनना है तो मुझे उनका ध्यान करना है। कैसे करना? यह स्तुति उनकी स्तुति नहीं है, मैं तो गुणों की स्तुति कर रहा हूँ, पर वह गुण उनके शरीर के गुण नहीं है, उनके आत्मा के गुण हैं। मैं उनके आत्मा के गुण का चिंतन करके, स्तवन करके अपने मन को प्रसन्न करता हूँ कि वह गुण मेरे अंदर भी है। उसके बाद हमारा लक्ष्य क्या है? पर मात्र हमने क्रिया को मान लिया ऐसा करना, इसके बाद ये ध्यान नहीं जाता कि वस्तुतः यह अभिषेक स्वयं का अभिषेक करने के लिए है। मुझे भी भगवान, मुझे भी पूज्य बनना, उनकी वंदना इसलिए कर रहे हैं कि हम भी वंदनीय बन जाए, उनके पद का अनुसरण इसलिए कर रहे हैं। अभी मैं मात्र सुबह आके कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे बने उस चीज को भी तो अपनाओ। किस पद्धति से वह पूज्य बने उस पद्धति को अपनाओ। हमने ये तो सोचा है डॉक्टर कैसे बनते, पायलट कैसे बनते, इंजीनियर कैसे बनते, ये मुझे पता है। ये यदि मुझे डॉक्टर बनना है तो बायो लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आराम फिजिक्स लेना पड़ेगी ना, मैथ्स भी, सारी चीज तो हमें डिसाइड करते हैं बराबर। पर हमें कहते तो हैं कि मुझे भगवान बनना है, सब कुछ करना है, चाहते अच्छा है, फिर क्या करते, वहां जाके ले लिया सब्जेक्ट तो पढ़ते कि नहीं, मेहनत करते कि नहीं। अब जो मुझे बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे भगवान बनना है, तो मैं अभिषेक कर रहा, स्वाध्याय कर रहा, पूजन कर रहा हूँ। पर उसके बाद क्या मात्र यही कारण है? उसके बाद और कुछ आचरण करना पड़ेगा कि नहीं, कि यूं बन जाओगे? सिर्फ विषय लेने से ही पास हो जाते, विषय लेने से ही, सब्जेक्ट लेने से आप बन जाते क्या? नहीं, ये पक्का है नहीं बनते, सच में आप ही बोल रहे हैं, ये बोल रहे नहीं बनते। तो फिर हम वहां तो ये मानते, वो भी डॉक्टर कितने दिन के लिए, जब तक कि मेरा ये जीवन है तभी तक डॉक्टर रहोगे, इंजीनियर कब तक, जब तक शक्ति है तभी तक आप वर्किंग करोगे ना, उसके बाद तो नहीं, फिर क्या करोगे, घर आ जाएंगे। लेकिन हमने ऐसा कुछ सोचा कि नहीं, कि हमने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं है। सुबह हुई, आंख खुली, बस दिखने लगा वही ऑफिस, वही परिवार, वही सब। शाम हुई, रात में आए, सोए, थक गए, सो गए, स्वयं को देखा कि नहीं,
फिर सुबह हुई, फिर चले गए, फिर शाम हुई, फिर सो गए। बस इतना ही जीवन है क्या? खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, क्या ऐसी जिंदगी? बस यही जीवन है। ऐसा जीवन आज नहीं मिला, अनंतों बार मिला है। ऐसे परिवार वाले एक बार नहीं मिले, लाखों करोड़ों बार बार ऐसे माता पिता, ऐसा परिवार, ऐसी नौकरी आपने की है। आपको लगता हम पहली बार कर रहे हैं? हो सकता लगता होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं, कई बार किया। जैसे ना कई बार मुझे बहुत नींद आ रही, कल तो सोया था, आज क्यों सोया? बहुत तेज भूख लग रही है। अरे कल शाम को ही तो खाया था, सुबह हुई फिर से भूख भूख करने लगी। ऐसे ही मैंने ये जीवन कई बार पाया, उसके बाद भी तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, और इसके बीच में कितनी यातनाओं को सहन कर रहा हूं, कितने संघर्षों को मैं झेल रहा हूं। शायद मैं तो यदि सोचू ना, आपके जीवन के संघर्ष, आपके जीवन की कठिनाई शायद मेरे जीवन में, लाइफ में भी ना आए। आपको कठिन लगता है कि टाइम गुजरता है? हो सकता लगेगा। आपको लगता पैदल चलना, ये भी मैं मान, हमारे पास कौन सा कठिन है? यही आपको लगता एक बार भोजन करना, पैदल चलना, केस लॉन्च करना, और कौन सा कठिन है बताते तू, फिर मैं बताती भैया। एक मोक्ष मार्ग है, एक संसार मार्ग। आप बताओ इस मोक्ष मार्ग में क्या कठिनाई और संसार का मार्ग में कौन सी कठिनाई, इजी क्या है? कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। मोक्ष मार्ग में हाँ बतलाओ ना, अकेले रहते और निंदा और वो सब होती है क्या? बारिश परेशान होते हैं वो सब। किसकी निंदा हो? वो सब बात की बात है कि परिसर सहन करना ही सब ठीक है। ठंडी लगती वो तो घर में रहेंगे तो ठंडी लगेगी, वहां रजाई उड़ोगे या चटाई यूज करोगे, बराबर। गर्मी लगती घर में भी लगेगी, यहां भी, वहां भूख लगती यहां भी लगेगी। पर कैसे, जब आपको जैसे घर में हो भूख लगी, नहीं मिला भोजन, तो आप क्या करते? क्या करते? क्या भोजन नहीं मिला तो चलता कि नहीं चलता? कुछ टाइम चलाते होंगे कि नहीं? कई दिन भूख, आप देखता हूँ ऑफिस में इतना वर्क पड़ गया, खाने का टाइम नहीं। ऐसे किस काम की वो नौकरी जो स्वयं को खाने का टाइम नहीं? यहाँ तो हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, और पर की इच्छा, टाइम पर जाना, नहीं गए तो क्या हुआ? वहां किसी का सुनना भी पड़ेगा, यहाँ हम माँ की सुनने वाले नहीं है, जिनवाड़ी की नहीं सुनेंगे, गुरु की नहीं सुनेंगे, परिवार की सुनते नहीं है। एक की बात नहीं चले सबकी, घर में किसी ने कुछ कह दिया हम सुनते नहीं, मंदिर में किसी ने कुछ कहा हम सुनते नहीं,
और वहां जाकर के जिसका आचरण नहीं है उस बॉस की सुनते हैं। कितनी सुनते हैं? ओए बॉस क्या ना, मुझे अपनी चेयर छोड़ के खड़ा होना पड़ता है, ना वो जैन है और नॉन वेज भी खाना है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी हम उसकी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा प्रिय है, मुझे परमात्मा से प्यार नहीं है, मुझे परमात्मा प्रिय नहीं है, मुझे मात्र पैसा प्रिय है, जिस पैसे के लिए हमें सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने पहले ही शास्त्रों में लिख दिया, जैन हो जैन की तरह रहो। जैन एक तो नौकरी करता नहीं है, नौकरी देता है अपने यहाँ पर। बहुत सारे ये लॉजिक मतलब जो पढ़ते हैं ना, तो पहले जैन के तीन चार धंधे बतलाए। एक तो कपड़ा का बिजनेस करता है, एक सराफे का करता है, सबसे पहले सराफा सोने चांदी का करता है, उसके बाद कपड़े का करता है, उसके बाद अभी मतलब देखा जाता है तो ये कर लिया राशन का, कर लिया है बहुत सारे लोगों ने, और दूसरे लोगों को सारी चीज देना के काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे ब्याज, नहीं ब्याज का नहीं, और कोई चीज करते हैं देते हैं। तो हमारे देखो आदिनाथ भगवान ने क्या बतलाया था, आसी मसी वाणि। क्यों उन्होंने ये नहीं बताया था आज ना, नहीं डॉक्टर ठीक है वो एक बात अलग है, आजकल ना यदि कोई नहीं करेगा तो बहुत सारी चीजें उसको भी देखा जाता है। एक्चुअली हम सब चीज को ऐसे नहीं ले सकते, तो अभी जैसे देखो ना कर्नाटक में तो वो चीज मिलती है देखने, जो आदिनाथ ने कहा था वैसा ही जीवन मिलता है। अभी साउथ महाराष्ट्र इस साइड देखोगे ना, दक्षिण महाराष्ट्र में वहाँ वो सब चीज मिलेगी, खेती चलो कर तू कर रहे, वो वैसे कर रहे, वो करोड़पति अरबपति क्यों है, वो एक खेती वैसे